कह रहा है कि इसमें ना ए बी आपका डायमीटर है, तो जो भी गिवन में लिखा आप धीरे धीरे लिखते जाइए कि गिवन ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर। चलो ठीक है, ए बी हमारा डायमीटर हो गया। उसके बाद हमें बोला है सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सी डी जो है आपकी सी डी वो रेडियस ऑफ द सर्कल मान लो ओसी के बराबर है। रेडियस हमारा ओसी है ना, ओसी के बराबर है, ओ ए के बराबर है, ओ बी के बराबर है, मतलब जितने भी रेडियस बन रहे हैं उनके बराबर है। वैसे ओ डी भी बन रहा होगा तो ओ डी के भी बराबर है। सी डी ये जो सी डी थी ना वो रेडियस के बराबर थी। ये आपके ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब क्या है, रेडियस है, तो उनके रेडियस के बराबर है। ठीक है, प्रूव दैट एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल आपको ये प्रूव करना है कि ऊपर जो एंगल बन रहा है, टू प्रूव एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें एंगल ए ई बी को क्या करना है बच्चों, 60 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, 60 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शन के काम नहीं चलेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या करना था आपको, ओ से सी ज्वाइन करना था, ओ डी ज्वाइन करना था, और एक सी बी भी ज्वाइन करना है आपको, सी। ठीक है, एक सी बी भी ज्वाइन करना है, सी बी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ऐसे मत डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो सी बी को, मेरा सी बी ज्वाइन है। ठीक है, सी बी भी ज्वाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर मैं आपको प्रूफ में बोलूं कि गौर से देखना प्रूफ में, कि मैं बोलूं इन ट्राइंगल बेटा ओडीसी, ओडीसी ओडीसी पहले देख लो आप, ओडीसी कहाँ पे है, दिख रहा है ना सबको, ओडीसी उसमें अगर मैं बोलूं ओसी इज इक्वल टू ओडी इज इक्वल टू सी डी है, तो आप मान लेंगे सी डी ओसी ओडी सब इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं देयर फॉर ट्राइंगल ओडीसी इज एन इक्विलेटरल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हर एक एंगल इसका 60 डिग्री का हो जाएगा, हर एक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो सेंटर पे जो तुम्हारा ओडीसी में सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सारे एंगल तो 60 हो जाएंगे ना, तो देयरफॉर ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल ओडीसी विल बी 60 डिग्री। सारे एंगल कितने हो जाएंगे बच्चों, 60 के। तो जो तुम्हारा एंगल सी ओ डी है, ये सी ओ डी एंगल ओ, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा, तो अगर मैं गौर से देखूं सी ओ डी जो है ना कॉर्ड सी डी के द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल है, ऐसे अगर आप देखो कॉर्ड सी डी के द्वारा, कॉर्ड सी डी के द्वारा एक एंगल और बन रहा है एंगल बी, एंगल बी उसका नाम आ जाएगा सी बी डी, एंगल सी बी डी। तो सी बी डी हाफ हो जाएगा किसका, सी ओ डी का। ठीक है, थ्योरम थी ना, तो एंगल सी बी डी हाफ हो जाएगा एंगल सी ओ डी का। क्यों लिखना है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, बाय इट ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल इसकी वजह से। ठीक है, तो तुम्हारा एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा बेटा एंगल सी बी डी जो है ना, एंगल सी बी डी, सी बी डी कितना हो जाएगा हाफ, और सी ओ डी की वैल्यू कितनी थी 60 डिग्री, तो एंगल सी बी डी कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। सी बी डी कितना आ गया बाल को, 30 डिग्री। तो गौर से देखते ना ना, ये तुम्हारा सी बी डी ये वाला एंगल कितना, ये तुम्हारा 30 आ गया बेटा, कितना आ गया 30। फिर एक तुम्हें एक थ्योरम और पता होगी, ए बी हमारा क्या है, डायमीटर। ए बी क्या है, डायमीटर, और डायमीटर जो है सेमी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो
तो ए बी डायमीटर है, अभी ए बी को जोड़कर देखो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए सी बी, कौन सा एंगल बन रहा है ए सी बी, तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, जब तक आपको थ्योरम याद नहीं होगी बेटा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है, समझ में आ गई बात, कितना राइट एंगल। अब एक चीज देखो आप बच्चों, मैं आपको बोलूं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई, गौर से देखना बच्चों, ए सी बी और बी सी ई लीनियर पेयर बन रहे हैं ना, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ऑफ एंगल्स आर सप्ली मेंट्री, तो हमारा ए सी बी तो 90 था, एंगल बी सी ई इक्वल टू 180, तो तुम्हारा एंगल बी सी बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, बी सी बी कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री आ जाएगा, बी सी बी हमारा 90 डिग्री आ गया। अब गौर से देखो बच्चों, ठीक है, मैं आपको ट्राइंगल दिखाने जा रहा हूँ, गौर से देखना ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी ई सबको दिख रहा है, यस सर, बी सी ई दिख रहा है, यस सर, उसमें तुम्हारा एंगल सी बी ई कितना है 30 और बी सी ई कितना है 90, ई की वैल्यू निकल आएगी, निकल आएगी ना, तो देखो इन ट्राइंगल बी सी ई एंगल बी सी ई प्लस एंगल सी बी ई प्लस एंगल जिसे हमें प्रूव करना है ए ई बी या सी बी कह दो, सी ई बी इक्वल टू कितना जाएगा 180 डिग्री, एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बी सी बेटा तुम्हारा 90 है, सी बी तुम्हारा 30 है, ऊपर प्रूव किया था आपने, प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 120 प्लस एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी 60 डिग्री आ गया, और सी बी ई को अगर सी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दो तो वो ए तक आ जाता है, सी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दो तो ए तक आ जाता है, दैट इज एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो क्या बोला है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये बन दिया है बच्चों, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो जैसे ही तुम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ोगे तो तुम्हें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की सारी प्रॉपर्टीज याद आ जानी चाहिए, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसके चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर, और वो खुद का हो सर्कल के अंदर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जो सर्कल के अंदर हो और उसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होने चाहिए, उसको अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके अपोजिट एंगल को प्लस करोगे तो 180 आता है, ठीक है, ये सब आपको याद आ जाना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पढ़ते ही। और उसमें आपको बोला ए सी बी डी जो डायगोनल है होंगे, जिसमें से एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इतना, ये वाला, ठीक है, 55 डिग्री दिया है, डी बी सी 55 डिग्री दिया बेटा, और साथ में एंगल बी ए सी, बी ए सी आपको दिया है 45 डिग्री, टू फाइंड, फाइंड करना है बच्चों आपको एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी कंप्लीट एंगल सी निकाल के देना आपको, ठीक है, कंप्लीट एंगल सी निकाल के देना आपको, ठीक है। अच्छा तो देखो बी ए सी कौन सा है तुम्हारा, बी ए सी ये छोटा वाला, ये वाला, ये वाला, ये तुम्हें 45 दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें बेटा कितना दिया है 45 डिग्री। तो अब गौर से समझना, ठीक है, यहाँ पे कि हमें पता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो यहाँ पे एक चीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो तो सीडी तुम्हें दिख रहा है, सीडी, सीडी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड सीडी के ऊपर दो एंगल बन रहे होंगे सीडी के द्वारा, एक तो बन रहा है बेटा देखो सी ए डी
और एक बन रहा है सी बी डी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, सी बी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखना प्रूफ, तो क्या सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा इसका, सॉल्यूशन तो लिखना सिंस 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 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो देयरफॉर तुम्हारा एंगल, एक मैंने बताया था आपको सी ए डी, एंगल सी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी डी इक्वल टू, देखो जिसमें तुम्हारा सी बी डी पहले ही 55 दिया हुआ था, सी बी डी तुम्हें 55 दिया था ना, ना सी बी डी है ना, या डी बी सी कह लो, कितना था 55, तो 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये सेगमेंट कौन सी कॉर्ड के द्वारा बन रहे हैं, फॉर्म्ड बाई कॉर्ड सी डी, ये भी लिख देना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो तुम्हारा ये वाला भी बेटा, ये भी कितना हो गया 55, तुम्हारा ये वाला एंगल कितना हो गया 55, अच्छा ये 55 हो गया। तो अब देखो तुम्हारा ये 55 है, ठीक है, तो अब देखो अगर हम पहले बेटा इससे निकाल लें, देखो एंगल बी ए डी की वैल्यू निकाल लें, बी ए डी, तो बी ए डी आपका दो एंगल से बन रहा होगा, एक तो तुम्हारा बन रहा होगा बी ए डी जो है, बी ए डी आपका एक तो सी ए डी, ठीक है, बी ए डी है ना, बी ए डी एक तो तुम्हारा बन रहा है सी ए डी से और दूसरा सी ए बी से, या बी ए सी से, तो तुम्हारा सी ए डी जो था वो 55 था और बेटा ये 45 था, तुम्हारा ये कितना आ गया 100 डिग्री, बी ए डी कितना आ गया 100 डिग्री। और आपको पता है कि जो तुम्हारा बी ए डी का मतलब कंप्लीट एंगल ए, बी ए डी का मतलब है बेटा कंप्लीट एंगल ए, ये पूरा 100 आ गया, और ए के अपोजिट कौन सा एंगल है सी, यही तो फाइंड करना है। तो आपको पता है कि सिंस अपोजिट एंगल्स, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, therefore मैं बोल सकता था बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, बी ए डी तुम्हारा 100 है प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी सी डी आ जाएगा आपका, बी सी डी आ जाएगा बेटा 80 डिग्री, बी सी डी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो जब तक थ्योरम नहीं आएंगी तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। yes, sir. क्या कह रहा है एग्जाम्पल 5 में बेटा, एग्जाम्पल 5 में हमारे पास दो सर्कल्स हैं, दोनों एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को ए और बी पे कट कर रहे हैं, तो मैंने एक डॉटेड लाइन से इसको ऐसे करके भी जोड़ लिया है, और आपको बोला है कि ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स, एक का डायमीटर तो ए डी है बेटा, मान लो इसका ये रहा हमारा ए डी, ठीक है, इसका डायमीटर अपन ले लेते हैं ए डी, सेंटर से पास हो रहा होगा, और दूसरे वाले का डायमीटर जो दिया है वो दिया है आपको AC, ठीक है। तो प्रूफ दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, आपको ये प्रूव करना है कि B जो है ना वो DC के ऊपर है, और DC लाइन, DC क्या है लाइन है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो भाई अभी देखने से लाइन लग रही है बट आपको प्रूव करना है, तो लाइन प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंगल्स सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, एंगल डी बी ए और एंगल ए बी सी को 180 प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन को गिवन क्या दिया है, गिवन यहाँ दिया है कि ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स। To prove, B lies on line segment DC. B जो है वो line segment DC पे lie करता है, ठीक है, B कहाँ lie करता है, line segment DC पे। Proof पे आओ बच्चों। अगर AD हमारा, सुनो, इससे पहले construction लगेगा। Join AD. कंस्ट्रक्शन क्या है कि ज्वाइन ए बी, ए बी को ज्वाइन कर दें अपन, ए बी को, तो तुम्हारे पास एक थ्योरम है, देखो ए डी हमारा क्या है, एक डायमीटर, डायमीटर के इस तरफ सेमी सर्कल होता है, डायमीटर के उस तरफ सेमी सर्कल होता है, तो देखो
इस ए और डी को ज्वाइन करो तो दोनों काम मिलते हैं आपके बी पे, तो एंगल ए बी डी आपका 90 हो जाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या राइट एंगल. तो सिंस एंगल्स इन अ राइट इन अ सेमी सर्कल, सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल. तो देखो देयरफॉर आपका एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी 90 डिग्री हो जाएगा. ऐसे ही डायमीटर ए सी से एक एंगल बन रहा है ए बी सी, है ना, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा. हम दोनों को प्लस कर दो, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं 90 प्लस 90, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री. ऑल्सो अगर आपने देखा, ऑल्सो ए बी डी एंड ए बी सी आर कौन से एंगल्स थे, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स. और क्योंकि ये सप्लीमेंट्री हो गए हैं तो बी सी इज अ लाइन, ठीक है, सो देयरफॉर डी सी नहीं डी बी सी, देयरफॉर डी बी सी इज अ लाइन. तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं बी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट डी सी, ठीक है, डी सी के ऊपर लाई करते. तो एग्जांपल 6 में क्या बोला है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक. कह रहा है मतलब कि ना कुछ ऐसा करके आपको बना लेना है, ये रहा तुम्हारा ए सी डी बी, ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है. कह रहा है कि इनके इंटरनल एंगल, इनके इंटरनल एंगल्स यानी ए बी सी डी के बाइसेक्टर्स को जोड़कर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो आपका साइक्लिक होगा, वो आपका साइक्लिक होगा. मतलब ए का जो बाइसेक्टर होगा, बी का जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, बी का जो बाइसेक्टर होगा, ऐसे ही सी का जो बाइसेक्टर होगा और डी का जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, इनको जोड़कर ये ऐसे जाएगा, सॉरी सर, ए का बाइसेक्टर बी से जुड़ रहा है, इस तरीके से ये जो क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा बन रहा है ना, सॉरी सॉरी इसमें फिगर थोड़ा सा बेटा गड़बड़ हो रहा है हमारा. देखो ए का बाइसेक्टर और फिर बी का बाइसेक्टर, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, फिर हमारा डी का बाइसेक्टर ये लो और ऐसे ही सी का बाइसेक्टर ये जाएगा आपका सी का एक, सॉरी डायग्राम गलत बना, चलो मैं डायग्राम ऐसे बना, इनके एंगल बाइसेक्टर देख लो, पूरे पूरे बड़े बड़े बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाना है. देखो ए का बाइसेक्टर ये रहा, ठीक है, बड़ा बड़ा बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बी का बाइसेक्टर ये रहा, सी का बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर हमारा ये रहा और डी का बाइसेक्टर ये रहा, ठीक है, ए का डी से. तो अब देखो ये हमारा ई हो जाएगा और क्या बोलते हैं बी का एफ हो जाएगा और ये तुम्हारा जो है सी का, जो है सी का वो जी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, ठीक है, कह रहा है ई एफ जी एच जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपको ये प्रूव करना है कि ई एफ जी एच जो है वो आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको क्या करना है बच्चों, प्रूव. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए एंगल एफ प्लस एंगल एच को 180 प्रूव कर दो या एंगल ई और एंगल जी को 180 प्रूव कर दो. ऐसा ही क्वेश्चन आप क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ के आए होंगे, अगर आपको याद आ रहा होगा ना, क्वाड्रिलेटरल्स में हमने एक इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है. तो देखो गिवन क्या दिया है यहाँ पे, गिवन गिवन देखो सुनो, गिवन क्या है कि तुम्हारा ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है, दैट इज आप बोल सकते हो कि एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए ई हो जाएगा, एंगल बी ए ई हो जाएगा. ऐसे ही तुम्हारा फिर बोलोगे कि बी एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ, इज द
बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो इससे आप बोल सकते हैं एंगल ए बी ई, दैट इज एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी बी ई। फिर ऐसे तुम्हारा जी सी जी है ना, सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी दैट इज, तो आप बोल सकते हैं एंगल बी सी जी इज इक्वल टू एंगल डी सी जी, ठीक है डी सी जी, ठीक है डी जी। ये हाफ ऑफ एंगल ए है, ये हाफ ऑफ एंगल बी है, ये हाफ ऑफ एंगल सी है। ऐसे ही तुम्हारा डी एच, डी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी दैट इज, आप बोलोगे सी डी एच एंगल सी डी एच इज इक्वल टू एंगल ए डी एच और हाफ ऑफ एंगल डी। टू प्रूव कि ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इज अ ये अलग अलग साइक्लिक क्वाड्री लेटरल, ठीक ई एफ जी एच एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो बच्चों गौर से, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा एफ ई एच जो है वो एंगल ए ई बी के बराबर है तो आप मान लेंगे एंगल ए बी ई और एफ ई एच वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, है कि नहीं है, है ना। तो एंगल, अब इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताने वाला हूँ, आप गौर से देखना यार। मैं अगर आपसे ये बोलूं बच्चों कि एंगल बी ए ई एंगल प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे, प्रूफ थोड़ा बड़ा जाएगा, डायग्राम अपने बुक से भी देखते रहना, एंगल बी ए ई प्लस एंगल, ठीक है एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी, ए ई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आएगा कि नहीं आएगा, ए एस पी ऑफ ट्राइंगल से। अब मैं यहाँ से ए ई बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एंगल ए ई बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मेरा एंगल ए ई बी आ जाता है बच्चों 180 माइनस एंगल बी ए ई माइनस एंगल ए बी ई। तो मेरा ए ई बी ये जो है, ये वाला जो एंगल था ए ई बी, ये वाला वो क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई ए। एक चीज देखो 180 माइनस बी ए ई अगर आपको याद हो तो हाफ था एंगल ए का, बी ए ई किसका था हाफ ऑफ एंगल ए था और ए बी ई हाफ था एंगल बी का। तो मैंने क्या किया 180 में से और माइनस माइनस दोनों में माइनस आ रहा है, देखो माइनस हाफ ए माइनस हाफ बी माइनस हाफ कॉमन ले लो तो बचता क्या है एंगल ए प्लस एंगल बी, यही बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी बचेगा, ठीक है किसकी वैल्यू एंगल ए ई बी की, किसकी है बेटा वैल्यू ये एंगल ए ई बी की, बात समझ में आ गई। ऑल्सो अगर मैं कहूं कि एंगल ए ई बी जो है मेरा वो एंगल एफ ई एच के बराबर होगा, बुक में देखिए आप लोग डायग्राम, ए ई बी जो है वो एफ ई एच के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां से मुझे अगर मैं चाहूं तो मेरी एफ ई एच की वैल्यू मिल जाएगी, एंगल एफ ई एच कितना हो जाएगा 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन वन, कितना दे दिया इक्वेशन वन। अब देखो बेटा अपने डायग्राम बुक से देखते जाओ आप लोग, ठीक है डायग्राम बुक से देखना थोड़ा सा। तो अगर मैं बोलूं कि इन ट्राइंगल सी जी डी, इन ट्राइंगल सी जी डी, तो मैं बोलूं कि एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी या सी जी डी कह लो जो भी कह लो एक ही बात है, एंगल सी जी डी प्लस एंगल जी डी सी, एंगल जी डी सी प्लस एंगल जी सी डी, जी सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने ना ये वाले एंगल की वैल्यू निकाल ली, इस वाले की, इसमें भी क्या किया
इस वाले एंगल की वैल्यू निकालेंगे इस वाले की जो जी पे बन रहा है, ठीक है। तो ये जी पे जो बनने वाला एंगल यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो मेरा एंगल जी सी जी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल जी डी सी माइनस एंगल जी सी डी। तो 180 जो मेरा जी डी सी है ना वो हाफ एंगल डी का, और जी सी डी किसका है, हाफ ऑफ एंगल सी का। तो यह जाएगा 180 माइनस हाफ कॉमन ले लो एंगल डी प्लस एंगल सी, ठीक है। और ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, एंगल सी जी डी की। ऑल्सो डायग्राम में देखिए आप लोग, तुम्हारा सी जी डी के वर्टिकली अपोजिट कौन सा है, एफ जी एच। एंगल सी जी डी, सी जी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वी ओ आर ऑलवेज इक्वल सेम। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी, यही होगा, यही होगा ना। ये मेरी इक्वेशन टू हो गई। अब मैं वन और टू को ऐड कर देता हूँ, वन और टू को क्या कर देता हूँ ऐड, क्योंकि देख रहा हूँ मैं वन और टू दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एफ ई वर्टिकली नहीं अपोजिट एंगल है, एफ ई एच और एफ जी एच एक दूसरे के अपोजिट है, डायग्राम में देखो ना अपोजिट एंगल है। इनको ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट दो, वन थी तुम्हारी क्या एफ ई एच और टू के राइट में एफ जी एच, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट से प्लस होता है, राइट राइट से प्लस होता है, तो इक्वल टू आ जाएगा। इधर देखो इसके में था 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना, और दूसरे वाले में था 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, यही था ना। देखो बेटा 180 कितना हो जाएगा 360, फिर माइनस हाफ, हाफ दोनों में कॉमन ले लो, दोबारा से हाफ कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 माइनस हाफ, और ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 360। क्यों होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लिख देना सेंस, ठीक है, या यही लिख देना ए एस पी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के थे ना। तो क्या जाएगा 360 माइनस 180, कितना जाएगा 360 माइनस 180, तो 180 आ जाएगा। एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच, ये अपोजिट एंगल्स आ गए, उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल कैसे हो गए 180 डिग्री। देख रहे हो ना एफ ई एच और एफ जी एच कैसे हैं, अपोजिट एंगल है। तो सिंस लिख देना, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, ई एफ जी एच आर सप्लीमेंट्री, सिंपली एंट्री, देयरफॉर ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जांपल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं।